नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ादी के रिपोर्ट में। और आज की जो दोस्तों खबर है वो एक शॉक करने वाली है एफसीआई के द्वारा, और हम ये कह सकते हैं बहुत दुख पहुंचाने वाली। इसके मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्यों ऐसा खेल खेल रहे हैं और क्यों नहीं स्पष्ट कर देते। आज बहुत ज़्यादा दुख होता है जैसे कोई स्टूडेंट इतनी जुनून से तैयारी करता है और लास्ट में उसको ये कह दिया जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, जबकि वो रिलेटेड सब्जेक्ट से है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं एफसीआई एजीएम टेक्निकल की जो पोस्ट है उसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन की है बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक है, फूड साइंस बीटेक है, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड उन्होंने सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल कर दिए। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है आपका बीएससी फूड साइंस का, उन्होंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है। और इसको लेकर के कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे नीचे और उन्होंने मेरे से पर्सन पूछा था, एक साथ आशीष गौतम जी है उन्होंने भी पूछा था और भी दीक्षा जी है उन्होंने भी पूछा था, तो कुछ मेरे जो है सब्सक्राइबर उन्होंने भी पूछा। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे साथ अन्याय होगा या क्या होगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो ये देखो खबर है जो इन्होंने रिप्लाई दिया गोलमाल करके वो मुझे सॉफ्ट करने वाला है, क्योंकि मैंने उससे आरटी के द्वारा ये पूछा था कि आप बीएससी फूड साइंस और जो बीएससी वाले हैं उनके में कौन सा एलिजिबल है कौन सा नहीं है, और बीएससी फूड साइंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में जो दिया ये दिया कि बीएससी जो है वो आपके फूड साइंस के एलिजिबल है या नहीं, वो हमने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे रखा है। अब उन्होंने ये जवाब दे दिया, अब उसमें तो कहीं ना कहीं भी ऐड नहीं कि बीएससी फूड साइंस वाले एलिजिबल हैं, और बहुत सारे साथी बीएससी फूड साइंस के हैं जो अपनी पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं एफसीआई एजीएम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पूरे शॉक करने वाली है न्यूज़। और मैं अभी आपको आरटी, हालांकि मैंने इसके आरटी दोबारा फिर इसकी जो है फर्स्ट अपील उसकी कर दी है, सब आप दोस्तों के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट अपील के लिए दोबारा से आरटी फाइल कर दिया कि आप हमें कन्फर्म बताइए, ऐसे गोलमाल जवाब मत दिए, आप हमें कन्फर्म बताइए कि बीएससी फूड साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल है एजीएम के लिए या नहीं, आप क्लियर बताइए। क्योंकि मैंने आरटी फाइल किया 23 तारीख को फाइल किया और 22 को फाइल किया था, आज 24 आज मेरे पास रिप्लाई आ गया था। अभी अपने मैं चलता हूँ आपको उस आरटी के ऊपर लेकर के इनका किस हिसाब से गोलमाल जो जवाब है दोस्तों आप लोगों को शॉक करने वाला। और इस वीडियो के बाद में अगर आप लोग चाहते हो कि आरटी कैसे फाइल करते हैं तो मैं आरटी फाइल करने के जो तरीके वो आपको बता दूंगा कि आप कहीं भी बैठे आपका जो भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट आरटी फाइल करिए, आप अपना उसको रिस्पॉन्स जो है रिप्लाई है वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो कि भाई हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन, वो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता के मुझे भेज सकते हैं कि सर ये इन्फॉर्मेशन है जो आप तक, मैं ताकि स्टूडेंटों के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास होती है मेरे पास नहीं पहुँच पाती। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि आरटी और नोटिफिकेशन पे जाने से पहले, आरटी रिप्लाई पे जाने से पहले कुछ दोस्तों का ये प्रश्न था कि सर जो ये पोस्ट हैं इन्होंने जो पदोन्नति जो है उसने प्रमोशन के द्वारा भरी जाने वाली पोस्ट के कारण इसमें से कोई कमी होगी क्या, क्योंकि इन्होंने बोला 25% तो डायरेक्ट भर्ती होगी और जो 75% है और 65% है वो है आपकी प्रमोशन के द्वारा भर्ती होगी। तो उसको लेकर के भी मैं उसमें अध्ययन कर रहा हूँ, उसको मैंने आरटीआई भी फाइल किया, जैसे ही उसका रिप्लाई आता है मैं आप लोगों को इसमें ज़रूर आपको मैंशन करूँगा, आपको पूरी क्लियर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलूँगा उस नोटिफिकेशन जो है रिप्लाई की आरटीआई की, इन्होंने क्या रिप्लाई दिया। और हो सकता है दोस्तों बहुत सारे साथी जो डिस्ट्राई करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, देखो आरटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने है, ये ऐसा कोई इसमें छिपाने वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा काम ये है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। और मेरी वजह से अगर 1000 सब्सक्राइब, मेरे 2000 सब्सक्राइब या 1000 सब्सक्राइब में से किसी दो का भी भला होता तो मैं इसे अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करूँगा कि उनका भला हुआ किसी भी। और बीएससी फूड साइंस वाले दोस्तों से कहूँगा आप धैर्य बना करके आप जो है अपनी तैयारी जारी रखिए, अगर आपने एएफओ का फॉर्म में आप एलिजिबल होंगे आप एएफओ की तैयारी कीजिए, फिर भी एफसीआई एजीएम के हम पीछे पड़े हैं, मैं कहीं ना कहीं क्लियर करके चलूँगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाए, आप तैयारी करो आप सिलेक्शन भी ले लो लेकिन फाइनल आपका वहाँ पर चयन ना हो और आपको डॉक्यूमेंट के लिए बाहर निकाल दिया जाए कि बीएससी फूड साइंस के लिए नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के, आपके सामने होगा कि उन्होंने जो रिप्लाई आरटीए के अंदर क्या दिया और उसका मैंने क्या मैंने रिवर्स जो रिप्लाई उसमें डाला है, दोबारा मैंने फर्स्ट अपील किए उसके लिए। तो चलते हैं अपने अपनी नोटिफिकेशन पे।
आपको जो है मैंने अभी बात की थी कि अपने आरटीए का जो रिप्लाई आया है उसके बारे में आपको जानकारी जो दे रहे थे कि इनके लिए देखो इन्होंने गोलमाल जवाब जो दिया है, ये क्या जवाब है आपके सामने है यहाँ पे। और ये जो मेरी आरटी फाइल की हुई थी इसका इन्होंने रिप्लाई दिया है और यहाँ पे आप देख सकते कि इन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया कि बीएससी फूड साइंस वाले एलिजिबल है या नहीं है। इन्होंने तो बस इतना कह के पल्ला झाड़ दिया है कि जो ये देखिए आप यहाँ पे मेरे जो है इसके अंदर मैंने आरटी फाइल की थी उसका जो यहाँ पे दिया हुआ है ये मेरे जो सीरियल नंबर है या इसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इन्होंने बोले एडवर्टाइज़ के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्वालिफिकेशन का। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में तो कहीं भी बीएससी फूड साइंस नहीं है, क्योंकि कल को अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम इसके लिए कहीं किससे भी एक हम लीगली रूप से हम नहीं कह सकेंगे कि हम एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा बीएससी फूड साइंस के एलिजिबल है या नहीं है। इन्होंने बीटेक फूड साइंस लिखा है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिखा है, सारी चीज़ें मेंशन की है, डिग्रियों के बकायदा नाम लिखे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी क्लियर नहीं किया कि बीएससी फूड साइंस वाले एलिजिबल है या नहीं है। और इसको लेके दोस्तों मैंने इनसे पर्सन किया था, ठीक है, और इसमें भी मैंने दो प्रकार से पर्सन किया। इन्होंने फिर भी ये कहा अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने फ़र्स्ट अपील के लिए भी मैंने आज अप्लाई जो है कर दिया है, मैंने इसके लिए दोबारा से उनसे इन्फॉर्मेशन ली ताकि एक बच्चों के लिए क्लियर हो सके, क्योंकि धोखा उस बच्चे के साथ सबसे बड़ा होता है जो जी जान लगा करके रात दिन करके इसका जो है मेहनत करके अपनी और इसके लिए कर रहा तैयारी और उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए और उसके बाद में उसको ये बोल के अगर बाहर कर दिया जाता है कि आपकी जो डिग्री है इसमें एलिजिबल नहीं है फूड साइंस की, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल होगा किसी बच्चे की लाइफ से। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा इस हिसाब से एक इसके अंदर इतनी ज़्यादा तैयारी कर ले और उसके बाद उसको सिलेक्शन ना दे एफसीआई, तो ये दोस्तों बहुत एक बुरी चीज़ है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने एक जो है दोबारा एक और आरटी फाइल दोबारा इसका जो फर्स्ट अपील है वो कर दिए कि आप क्लियर कीजिए कि बीएससी जो फूड साइंस वाले है वो एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप जो है मेरे साथ में यहाँ पर बने रहिए और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जिसमें मैंने दोबारा आरटी फाइल की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आज की डेट के अंदर मैंने फ़ाइल की है यहाँ पर, ठीक है। ये आरटी ऑनलाइन आरटी है और अभी 24 जून का, और अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले इसको अभी उसमें डाल दिया है और यहाँ पे मेरे फाइल रजिस्ट्रेशन नंबर है और आज की डेट में है। और दोस्तों इसका मुझे जैसे ही क्लियर आंसर मिलेगा तो मैं जो है आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है बीएससी फूड साइंस वालों के साथ। तो अगर आप लोगों को आरटी लगाने का तरीका जानना तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आरटी कैसे लगाते हैं। कोई उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अपना मन का प्रश्न पूछ सकते हो, आपको पूछने का अधिकार है, सूचना का अधिकार हमें दिया है, हम पूछ सकते हैं। हम ऐसा प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं जिसके अंदर किसी को परेशानी ना हो, हमारा और किसी का फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप लोग पूछ सकते हैं और अगर आपको आरटी लगाने का तरीका पता है तो भी दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट आरटी रिप्लाई आने के साथ ही। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।